हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस अ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10। इट इज माय 14th वीडियो इन दिस चैप्टर। अंडर दिस वीडियो आई विल डिस्कस टाइप 9 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से 13 वीडियो बनाया हूं, जिसमें मैंने बताया था ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम से क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन को भी मैंने बताया था। आज का जो वीडियो है वो कवर करेगा टाइप 9 क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। मैं यहाँ क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप्स करके डील करता हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है, बाय कंपेयरिंग द रेशियो, जो यहाँ पर दिख रहा है, रेशियो को कंपेयर करके अल्फा का वैल्यू लाना है, आज का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, 7050523391। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बोल क्या रहा है वो देखते हैं। By comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out for what value of alpha। Means बोल रहा है कि compare करना हम लोगों को A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 को compare करके हम लोगों को alpha का value को find करना है। और the line representing the following equation have unique solution, no solution and infinitely many solution। मीन्स एक एक करके हम लोगों को तीनों केस में सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन में अल्फा का क्या वैल्यू आता है, फिर नो सॉल्यूशन में अल्फा का क्या वैल्यू आता है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में अल्फा का क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो इसे सेपरेट करके पूछता है, या तो बोल देगा यूनिक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर पार्ट वाइज बांटेगा तो पार्ट वन में बोल देगा यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड दूसरा क्वेश्चन देगा तो नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहाँ तीनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया हूँ ताकि तीनों आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखते हैं आज का, तो ये इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 और सेकंड इक्वेशन है 12x प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताया था कि फर्स्ट वीडियो में कि यूनिक सॉल्यूशन में जब हम लोग कंपेयर करने जाते हैं तो इसका एक सिस्टम होता है कि A1 by A2 जो होता है इसका कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 के होता है। ये था यूनिक सॉल्यूशन का केस। और मैनी सॉल्यूशन का केस क्या था, मैनी सॉल्यूशन का केस था कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 और नो सॉल्यूशन जो लास्ट है उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। ये C1 by C2 को इक्वल नहीं रहता, ये कंडीशन है। इसी कंडीशन से फुलफिल करके हम लोगों को अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो किसी भी पहले इक्वेशन को हम लोग जितने वाले टर्म राइट में उसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट साइड जीरो के फॉर्म में जाएंगे। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग ले आते हैं, अल्फा एक्स प्लस 3y और ये प्लस में इधर साइड प्लस अल्फा माइनस 3 तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ पर। और दूसरा हम लोग देखते हैं 12x प्लस अल्फा वाई और यहाँ पर अल्फा राइट साइड है, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग पहचान लेते हैं कि A1 क्या है, B1 क्या है, फिर देन आफ्टर C1 क्या है, उसके बाद A2, B2, देन आफ्टर C2। तो A1 ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है अल्फा, B1 y के साथ कोएफिशिएंट 3 और C1 क्या है माइनस ब्रैकेट में माइनस अल्फा माइनस 3। यहां तक क्लियर। A2 12 है यहां पर, B2 अल्फा है और C2 क्या है माइनस अल्फा।
तो यहां से हम लोग पहले ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू को फाइंड कर लेते हैं कि क्या आता है। ए वन बाई ए टू हम लोग निकाल लेते हैं, ए वन बाई टू, ए वन क्या है अल्फा और ए टू क्या है ट्वेल्व, मीन्स ए वन बाई ए टू यहां से हम लोग को पता चल गया। देन आफ्टर बी वन बाई बी टू कर लेते हैं, बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री बाई अल्फा, मीन्स बी वन बाई बी टू क्या आ गया थ्री बाई अल्फा। देन आफ्टर सी वन बाई सी टू हम लोग कर लेंगे, सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू यहां पर था माइनस अल्फा माइनस थ्री डिवाइडेड बाय और यहां पर माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस यहां पर कैंसिल, तो क्या आ गया सी वन बाई सी टू अल्फा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अल्फा। तो यहां से हम लोग को सी वन बाई सी टू भी पता चल गया। तो यहां पर तीन केस है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इंफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग केस वन केस टू केस थर्ड के फॉर्म में हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो केस वन क्या है फोर यूनिक सॉल्यूशन, फोर यूनिक सॉल्यूशन केस वन यही है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या था कि ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होता है, ये कंडीशन होता है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे कि ए वन बाई ए टू क्या है अल्फा बाई ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू क्या है थ्री बाई अल्फा, तो यहां से थ्री बाई अल्फा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू और यहां से ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, और जब थर्टी सिक्स का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है प्लस सिक्स और माइनस सिक्स, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू प्लस सिक्स या माइनस सिक्स, या तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स और माइनस सिक्स, मीन्स यहां पर अल्फा का वैल्यू सिक्स और माइनस सिक्स नहीं होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स एंड माइनस सिक्स। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम लोग को पता चल गया कि अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है पर क्या नहीं होगा सिक्स और माइनस सिक्स नहीं होगा क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स एंड माइनस सिक्स आ गया। देन इसी तरह हम लोग सेकेंड वाले केस को निकालेंगे, केस टू देखते हैं केस टू में क्या आता है अल्फा का वैल्यू। केस वन से तो हम लोग को पता चल गया कि प्लस सिक्स और माइनस सिक्स नहीं आएगा अल्फा का वैल्यू, तो सेकेंड में क्या था नो सॉल्यूशन का केस, नो सॉल्यूशन का केस। तो नो सॉल्यूशन के केस में हम लोग क्या जानते हैं, नो सॉल्यूशन के केस में क्या है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये हम लोग जानते हैं नो सॉल्यूशन का केस में। तो बस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर हम लोग, ए वन बाई टू क्या है अल्फा बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू क्या है थ्री बाई अल्फा, और देन सी वन बाई सी टू क्या है इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू अल्फा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अल्फा। यहां तक क्लियर, यहां से हम लोग दो दो के फॉर्म में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अल्फा बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री बाई अल्फा एंड थ्री अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस थ्री बाई अल्फा, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हम लोगों को अल्फा का वैल्यू फाइंड मिल जाएगा, यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अल्फा का वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व थ्री जै थर्टी सिक्स, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया अल्फा का वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू सिक्स और माइनस सिक्स, तो यहां से भी हम लोग को मिल गया अल्फा का वैल्यू सिक्स और माइनस सिक्स। और लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या था कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स एंड माइनस सिक्स, मीन्स अल्फा जो होगा वो इक्वल नहीं होगा सिक्स और माइनस सिक्स के, मीन्स अल्फा का वैल्यू सिक्स और माइनस सिक्स को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। और केस टू में देख रहे हैं अभी क्या क्या आता है, क्या वैल्यू आता है अल्फा का। तो यहां पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा थ्री अल्फा इज नॉट इक्वल टू और यहां से अल्फा इंटू अल्फा माइनस थ्री, तो यहां पर अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जा रहा है। तो यहां पर क्या आ जा रहा है थ्री इज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस थ्री, ठीक है।
तो ये माइनस थ्री है, इधर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो थ्री और थ्री सिक्स, मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स, इसे हम लोग पलट के लिख देंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स, मीन्स इसी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व किए नो सॉल्यूशन के केस में, तो अल्फा का वैल्यू सिक्स नहीं होना चाहिए, सेकेंड वाले को फॉर्म जब हम लोग सॉल्व किए तो अल्फा का वैल्यू सिक्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर निकला अल्फा का वैल्यू सिक्स एंड माइनस सिक्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा होगा सिक्स सिक्स और माइनस सिक्स आ गया, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू सिक्स मीन सिक्स नहीं होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो नो सॉल्यूशन के केस में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू सिक्स एंड माइनस सिक्स, मीन्स अल्फा का वैल्यू सिक्स और माइनस सिक्स को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड केस की ओर हम लोग जाएंगे, और थर्ड केस क्या है, माइनस सॉल्यूशन का केस, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड में इसे अलग अलग करके भी पूछता है कभी कभी, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं थर्ड केस, केस थर्ड क्या है, मैनी सॉल्यूशन का केस है, मैनी सॉल्यूशन का केस है, तो मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, कंडीशन क्या है मैनी सॉल्यूशन का, कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसे भी मैंने डिटेल में बताया था वीडियो नंबर वन में, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू के बारे में बताया था, कि कैसे कभी अगर इक्वेशन दिए गए रहेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो इक्वेशन से हम लोग कैसे पता करेंगे कि माइनस सॉल्यूशन का केस है, कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है, कि नो सॉल्यूशन का केस है, तो जब जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू आता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि माइनस सॉल्यूशन का केस है, तो यहाँ पर तो हम लोग को अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने बताया था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर माइनस सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि क्या पुट करेंगे और क्या वैल्यू आएगा अल्फा का, तो ए वन बाई ए टू के जगह पुट करेंगे अल्फा बाई टू वैल्यू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू क्या है थ्री बाय अल्फा, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे थ्री बाय अल्फा इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू क्या गया अल्फा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अल्फा, तो इसे भी हम लोग दो दो करके सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम लोगों को अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, जिस तरह हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे, ये दो को यहाँ पर सॉल्व कर दिए थे और ये दो को यहाँ पर सॉल्व कर दिए थे, सेम इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री बाई अल्फा एंड थ्री बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस थ्री बाई अल्फा, ठीक है यहां तक क्लियर, फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व थ्री जै थर्टी सिक्स, और यहां से अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा सिक्स और माइनस सिक्स, जब भी हम लोग अंडर रूट से निकालते हैं तो सिक्स और माइनस सिक्स आ जाता है थर्टी सिक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या होता है अल्फा और अल्फा कैंसिल कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया थ्री इज इक्वल टू अल्फा माइनस थ्री, और यहाँ पर माइनस थ्री है राइट साइड, जब हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा, मीन्स थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स, मीन्स अल्फा का वैल्यू सिक्स और इधर आ गया अल्फा इज इक्वल टू सिक्स और माइनस सिक्स, मीन्स दोनों में कॉमन क्या है सिक्स सिक्स कॉमन है, तो मीन्स यहाँ पर माइनस सॉल्यूशन के केस में अल्फा का वैल्यू क्या आ गया सिक्स, तो ये था नाइन टाइप का क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है यूनिक सॉल्यूशन से नो सॉल्यूशन से और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से, इस क्वेश्चन को सेपरेट करके भी पूछा जाता है और एक साथ भी पूछा जाता है, तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।